आज आपके बहुत टाइम लगा यार, आज लेट हो गया, धूप में जाना पड़ेगा, धूप में। आज है 14 मार्च 2023 और दिन है आज मंगलवार का, और इस वक्त सुबह के 9:47 हो रहे हैं और हम हैं ज्वाला देवी में। 9:47 हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं ज्वाला देवी से आगे बगला मुखी चिंतपूर्णी और नैना देवी की ओर। चलिए 10:10 बचे हैं, कड़ाके की धूप में निकल रहे हैं हम। आप निकल रहे हैं? मैं निकल रहा हूँ। जय माता दी, चलो निकलेंगे। चलो लेट हो गया आज। हाँ वही, काफी लेट हो गया। चलो रात को हम पहुँचे, हमारे पहुँचने के बाद 10 मिनट के बाद मंदिर बंद हो गया। अच्छा, तो काफी दर्शन अच्छे हो गए। हम लोग बोला खाना खाने के लिए इधर आए है, तो और 10 कदम आगे जाते हैं ना चल के। तो 10 कदम चल के आगे गए, दर्शन कर लिया। कितने बजे चले गए थे सुबह आप मंदिर? सुबह कितने बजे चले गए थे मंदिर? हम गए थे 6:30 के करीब। अच्छा, और फिर लौट के कितने बजे आ गए थे? दर्शन करके कितने बजे आ गए थे वापस? हम लोगों ने 6:30 यहाँ से निकले, 7:15 के करीब पहुँचे मंदिर, और 7:00 मंदिर से दर्शन करके बाहर आ गए 15 मिनट में। अच्छा, जी का दर्शन करके बाहर आ गए, फिर मंदिर में थोड़ा इधर उधर सब देखे। बाद में अकबर का छत भी तो सब देखा, थोड़ा ऊपर घूमे भी मैं। अच्छा, और फिर उसके बाद आपको फोन किया। तो जब आपने फोन किया तो मैं तो अभी गहरी नींद में सो रहा था, तभी तो मैंने बोला अभी नहीं सामान लेके आ जाना, मैं तो अभी बिल्कुल तैयार ही नहीं हूँ ना। हवन करवाना है, हवन का थोड़ा प्लान था, अभी मिलते ही कि नहीं भी देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप हवन तो मिल जाएगा आपको, क्योंकि मान लो काफ़ी टाइम है तो हवन में 1 घंटा जाएगा। हाँ, तो कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अब यहाँ से रूट कट हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये जो लाल कार आई है, इधर से आए थे हम कांगड़ा देवी से, और इस रूट पे फिर ये ज्वाला देवी तक गए थे, और ये अब बगला मुखी और चिंतपूर्णी और नैना देवी, ये आगे का रूट 7:42 और 142। इधर जितने भी लोग आते हैं वो ज्यादातर हवन करवाने के लिए आते हैं ना। वही हमने यूट्यूब पे उसका सुना। हाँ, तो ये भर गया। हाँ, ये देखो पीला मंदिर का कलर, पीला ही झंडा, पीला ही प्रसाद होगा, पीला ही धागा बांधते हैं हाथ में ना, पीताम्बरी देवी बोलते हैं। तो आप इधर देख लो, जितना टाइम लगेगा ना आराम से दर्शन करके आ जाना, कोई जल्दबाजी की जरूरत है नहीं। हमें देखो ये लिखा ना, प्राचीन सिद्ध पीठ माता श्री बगला मुखी। तो मैं आगे लगाता हूँ गाड़ी, पार्किंग में जो गेट जैसा है उसके अंदर होगी लगी हुई, आप इधर से चले जाओ अंदर। ये ठीक है, जय माँ बगला मुखी, आराम से दर्शन करके आ जाओ। इधर भी भीड़ नहीं है इतनी, आपकी आपने प्लान इतने डिजाइन से किया है कि सक्सेस हो रहा पूरा ना, परंतु फिर भी आज बहुत ही ज़्यादा कम भीड़ बगला मुखी में मिली। बगला मुखी में आज बिल्कुल पूरी की पूरी जो पार्किंग है वो खाली पड़ी हुई है, ये कम से कम 10 से 15 गाड़ियां ही यहां पर आज पहुंच पाई हैं। 12:56 हुए हैं और हम लोगों के बगला मुखी माँ में दर्शन हो गए, और अब हम निकल रहे हैं यहां से चिंतपूर्णी की ओर। तो ये आप लोग देख सकते हैं 1 बजे का टाइम होने को है, और ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहां पर अब थोड़ी सी गाड़ियां जो है ये आना शुरू हुई हैं। तो अगर आप लोग भी हिमाचल प्रदेश की तरफ घूमने के लिए आते हैं तो आप लोगों को भी इन सब देवियों के दर्शन करने चाहिए, पहाड़ बर्फ़ ये सब घूमने के बाद जो है इन तीर्थ स्थानों की भी आप लोगों को यात्रा जरूर करनी चाहिए। हो गया सब अच्छे से? एकदम अच्छे से हो गए। हम गए तभी मंदिर में कोई नहीं था, कोई नहीं था। आप लकी, भीड़ हो गई वहाँ पे, लकी आदमी हो लकी। पार्किंग खाली थी पूरी। अब कुछ गाड़ियाँ ऊपर जो है आना शुरू हुई है, और इतना अभी भीड़ हो गई है ना कि कम से कम अभी लाइन में खड़े रह जाएंगे तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। अच्छा, इतनी भीड़ हो गई? इतनी भीड़ हो गई। हवन करवाया? हवन करवा दिया कि प्रणाम ही किया? नहीं, हवन किया ना, हवन भी हो गया ना, है ना। अभी आए तो हवन भी किया,
चलो। बाद में वो पंडित ने बोला अभी हवन आपका हो गया हाँ? तो नीचे लंगर चालू हो गया, लंगर जाके ले लो करके। अच्छा, तो एक किधर तो भी लेना चाहिए, लेना चाहिए। तो इधर मौका अभी पंडित ने सामने से बोला है हाँ? तो उसको डाल के नहीं जाना चाहिए, डाल के भी नहीं जा सकते हैं। क्योंकि हमें दो बार ऐसा, दो तीन बार एक्सपीरियंस मिला है। अच्छा, कि हम ऐसा लंगर विंगर कोई रहता है तो डाल के जाते, मतलब आगे का से ये रहता है ना हाँ हाँ हाँ, कि लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं तो उतना उलझन हो जाता है। आगे जाके खाएंगे करके हाँ हाँ, तो मालूम पड़ जाता है आगे जाके कुछ नहीं मिला ही नहीं। ऐसा दो बार हुआ है हमारे साथ। अच्छा, इसके लिए हम अभी करते हैं कि कोई भी बोला लंगर खा के जाओ जो सीधा हाँ बोलते हैं भाई, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो भी खाएंगे, प्रसाद के मोहब्बत तो भी खाएंगे। दोपहर का टाइम हो चुका है और धूप प्रचंड हो गई है, एसी की जरूरत लग रही है, लग गया एसी हमारा है ना, गर्म है मौसम है ठंडा है, धूप कड़क है, धूप कड़क है, एसी लग सकता है या लगाना पड़ जाएगा इधर घूमना है तो। इस बार जल्दी आ गई ना गर्मी, मौसम चेंज हो रहे हैं तो मार्च महीने में ही एसी लगन, एसी की जरूरत पड़ रही है। ये देखो सब यूपी नंबर बसें हैं, ये तो इधर भीड़ मिल सकती है हमें। ये देखो ये जा रहे हैं इधर से, ये देखो इधर खड़ी है, तो उसने बताया है इधर से मुड़ जाना चाहिए। लोकेशन पे लगाओ पहले, या पहले दर्शन कर लो है ना हाँ। फिर आते हैं दरबार, पर क्या पता उधर से भी अंदर से हो मंदिर के लिए रास्ता, भी क्या हो सकता है, इनका कहाँ पर है ये बताया था इसने, गली जैसी। मंदिर ही चले ना पहले हाँ, मंदिर जाएंगे ना पहले, छोड़ दो फिर इसको बाद में ढूंढते हैं हाँ। ये तो बड़ी दूर है ना, ये तो यहाँ से तो मंदिर बड़ी दूर है, 5-6 किलोमीटर है, करके ढूंढते हैं क्योंकि इधर ये बसें भी बहुत हैं, तो क्या पता मंदिर में कितना टाइम लग जाए। हॉस्पिटल रोड बता रहा वो कुछ की, हॉस्पिटल रोड पूछ लो किसी को भी। ये आ गई माता चिंतपूर्णी देवी, इनके भी दो नाम है, छिन्न मस्ती का धाम और चिंतपूर्णी देवी। जैसे उधर नगरकोट धाम था ना कांगड़ा देवी का, तो यहाँ छिन्न मस्ती का धाम। 1:50 पर हम एंटर हो गए हैं, अभी कब मंदिर तक पहुंचेंगे बेचारे, ये जो इतने दूर उतार दिए है ना ये हाँ। ये देखो ये आगे ही बता रहा है, ये रास्ते पे है, ये रास्ते पे आगे ही बता रहा है अपनी धर्मशाला। अच्छा, ना ना अंदर बताया उसने, इधर यहाँ से यही रास्ता बता रहा है। चलो कोई नहीं, उधर से भी होगा कोई ना फिर। ये देख लो कितनी भीड़ है इधर, कितना बता रहा है, 8 मिनट बता रहा है इस रोड पे ही, 2.3 किलोमीटर इधर। बस अंदर नहीं आती, मतलब नहीं आती है ना, पर वो यूपी नंबर की गाड़ियां बेचारी उनको नहीं पता है ना, ये तो बड़ी दूर इन्होंने उतार दिया ना इनको, मैं वही तो बता रहा हूँ, ये तो कब मंदिर पहुंचेंगे कब। चलिए 3:40 हो गए और हमारे चिंतपूर्णी में दर्शन हो गए, कितनी भीड़ थी आज बताएंगे जरा। आज संक्रांत की वजह से बहुत भीड़। अच्छा, आज संक्रांत है, आज संक्रांत है आज हाँ, उसकी वजह से भीड़ था, भीड़ है हाँ हाँ, कम से कम 3 घंटा लाइन में जाता था हमारा, 3-3.5 घंटा। तो जैसे हमने अभी चामुंडा देवी, कांगड़ा देवी, बगला मुखी, ज्वाला देवी के दर्शन किए, तो सबसे ज्यादा भीड़ हमें चिंतपूर्णी में मिली ना, बाकी तो बड़े सुकून से हमारे दर्शन हुए। लेकिन इधर फिर बाद में हमने थोड़ा पहचान निकाला, थोड़ा बातचीत की। अच्छा, तब जाकर नंबर लगा, तो अभी फिर वो पुलिस वाले ने हमको वो बीच में से हमको अंदर ले लिया, नहीं तो अभी भी नहीं आ पाते। नहीं, 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 हम कम से कम तुम्हें बोलो 7 बजे आते थे। अच्छा, अगर आप उधर नहीं जाते पहचान निकाल के, तब हाँ, आप 7 बजे तक आ पाते गाड़ी के पास। हाँ, गाड़ी के पास। तो कल लेने वाले नहीं थे। तो हमने बाद में सोचा था कि कल करेंगे, कैंसिल करके कल आएंगे, क्योंकि उसने बोला पुलिस वाले ने हाँ? कि इतना टाइम की वजह से बहुत भीड़ है। अच्छा, 3.5-4 घंटा अंदर टाइम में जाएगा। अच्छा, इतनी भीड़ थी,
निश्चिंत पूर्णिम है। अभी तो नवरात्रों की शुरुआत भी नहीं हुई है, तो नवरात्रों में तो और भी जैसे लोग आएंगे तो एक एक दिन लग जाता है ना, कई बार एक एक देवी पे पता नहीं होता है। कल से तो हमें इजी हो रहा था, गए चमुंडा देवी में कितने इजी से हम आगे, ज्वाला देवी में कितनी जल्दी आप आगे, जहाँ की 2.5-3 घंटे लगते थे। तो भी क्या उतना कुछ हुआ नहीं, थोड़ा पहचान निकाला, बातचीत किया उनसे, थोड़ा हमारा ढंग से बातचीत किया। तो भी फिर बाद में बोला अच्छा ठीक है, फिर बाद में वो जो गेट बंद था, मतलब अंदर डायरेक्ट मंदिर को सीढ़ियों से डायरेक्ट दर्शन करने के लिए जाते, अच्छा 3 नंबर के पास, अच्छा 3 नंबर वाला गेट है, वहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाजू में से सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए डायरेक्ट मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर का गेट उसने खोल दिया और आपके दर्शन हो गए, तीनों जन को अंदर ले लिया और गेट बंद कर दिया। चलिए, तो मैं बोला ठीक है भाई धन्यवाद, नहीं तो अभी हम लोग इतने आते ही नहीं थे। अच्छा अभी तक भी नहीं, 7 बजे तक आते ना आप, 6:30-7 बजे तक, नहीं तो फिर कल दर्शन करते आप सुबह। तो फिर बाद में हमने ये सोचा था कि आज का ड्रॉप करके सुबह जल्दी आ जाएंगे, सुबह जल्दी आएंगे, 5 बजे आएंगे। हाँ हाँ, सुबह आके सुबह दर्शन करेंगे, आरती मिलेगी ना। हाँ हाँ हाँ, तो इधर अगर अब वो भी इस पास में होगा, शाम को फिर आ जाना आरती में आना होगा, तो कितना दूर है ना वो, लंबा लग रहा है ना। ना ना, ये गाड़ी से लंबा है ना, अभी जैसे इधर हम आए तो गाड़ी से लंबा है ना, तो हॉस्पिटल, अब जब मैंने इनको पूछा तो ये बोलते हैं कि जो आपका हॉस्पिटल है वो मंदिर के जितना ये इनका था ना, उतना ही पहाड़ के दूसरी तरफ है। अच्छा, तो देख लेंगे मंदिर कितना, आ जाना शाम को एक बार या सुबह एक बार, फिर आ जाना। हाँ, बाद में उसने बोला आरती उरती में बैठ, बाद में शाम को अगर आरती वरती लेने का है तो 6:30-7 बजे दोबारा आ जाओ, इधर आ जाओ, भीड़ नहीं रहेगी तो आ जाओ। ठीक है, चल देखते देखते हैं क्या होता है, क्योंकि क्या ज्यादा भीड़ है तो ज्यादा ये नहीं करने का, क्योंकि बाकी के आदमी लोग को भी दर्शन होना चाहिए, उनको भी होना। हाँ, हमारे तो हो गए ना एक बार, तो जिनको एक बार भी नहीं हुए तो उनको भी तो करना है ना। एक बार भी नहीं हुए तो फिर बार बार पहचान निकाल के, हाँ जबरदस्ती अंदर, वो तो पहचान करना जायज फायदा हो गया। आज की यात्रा भी खत्म हुई, ठीक है एक बार फिर चले जाना इधर मंदिर, चलो मैं भी देखूंगा शाम को टाइम अगर नजदीक हुआ ना, चलेगा आप भी आएंगे तो मैं भी इधर चला जाऊंगा दोबारा से, क्योंकि गाड़ी के लिए मिल गई ना जगह। ठीक है, आज प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 बजे और हमारी छुट्टी हो गई आज तो जल्दी ही चलेगा। आप जाएंगे फिर साथ में, साथ में चलेंगे अभी शाम के टाइम, 5 बजे जाएंगे तो अच्छा आरती मिलेगा, सुबह भी जा सकते हैं ना, अभी इधर से देखते हैं पहले कितना नजदीक है मंदिर, फिर एक बार अभी चले जाना एक बार सुबह भी चले जाएंगे, अभी तो है ना भीड़ है तो अभी लेट जाएंगे ना, शाम को लेट जाएंगे बिल्कुल लेट में। हाँ, तो कितना टाइम लगता है वो देखेंगे और बाद में, पहले इनसे बात करेंगे ना कितना दूरी पे मंदिर है, फिर उसी हिसाब से इधर से निकलेंगे शाम को। चलेगा, ठीक है, सुबह का थोड़ा अच्छा रहता है, सुबह भी जाएंगे। हाँ, ये भी अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आपने तो डांट दिया था मुझे सुबह सुबह, डांटा नहीं, लेट हो गए, मैं तो बेफिक्र था कि आज तो सफर ही बड़ा कम है। नहीं नहीं, डांटा नहीं था, खाली बोली थी कि आज बहुत लेट हो गया, ऐसा कैसा हो गया आपको, ऐसा बोली। हाँ, मेरा टोन ही ऐसा है, डांटना ऐसा लगता है। ठीक है, डांट खाई तो जल्दी आराम मिल गया। अभी आप इधर? मैं भी इधर ही हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला है, उन्होंने अभी बोला है कि डबल मैट्रेस दे रहे, डबल मैट्रेस देंगे। हाँ, और ऊपर ब्लैंकेट तकिया भी किया सब देंगे, उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। उसका एक्स्ट्रा चार्ज है? नहीं, अच्छा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, एसी के साथ में 500 रुपये। अगर एसी चलाएंगे, एसी चलाओ नहीं चलाओ 500 रुपये में पूरा सब। अच्छा, एसी चलाओ चाहे मत चलाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। चलिए ठीक है, आज यहीं पे स्टे, कल और बढ़ेंगे आगे तो अच्छी व्यवस्था इधर भी कम बजट में। चलिए ठीक है, और कुछ ठीक है, हाँ इधर ही होऊंगा ना मैं तो, इनका भी है बाहर ढाबा है बोला, ठीक मंदिर भी चलेंगे एक बार, गाड़ी तो पार्क हो गई ना, अब मैं भी जा सकता हूँ। हाँ, चाहे सुबह जाना होगा सुबह भी चलूँगा मैं मंदिर, सुबह शाम जब भी जाना होगा ना। ठीक है जी, ओके, जय माता दी। 6:53 हुए और हम एक बार दूसरी बार फिर चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
20 लाइन तो बहुत ज्यादा लंबी लाइन है देखने को है। दोबारा दर्शन नहीं मिले हमें ना, नहीं। सुबह एक बार माता ने बुला लिया था पीछे वाले गेट से अब चलो देखते हैं, नहीं तो 9:30 आ जाएंगे। अभी आराम से मिलते थे तो सुबह उठ के चलो चिंतपूर्णी माता के दरबार में, तो दोबारा हमारा जाना हुआ नहीं। अच्छा। राधा कृष्ण का मंदिर था बगल में, तो यहीं पर हमने थोड़ी देर टाइम बिता लिया और दर्शन भी कर लिए। अब देखते हैं चिंतपूर्णी में एक बार सुबह दोबारा मौका मिला दर्शन का तो सुबह जाएंगे, ठीक है। अभी तो दोबारा माता ने बुलाया नहीं हमें कि भैया दिन में आपको एक बार दर्शन दे दिए, अब आप तो बार बार फायदा उठा रहे हो, लालची बन गए, लालची बन गए हो। तो चलो हमें यहाँ पर थोड़ी देर माता अपना राधा कृष्ण ने बुलाया, राधा कृष्ण मंदिर में थोड़ी देर बुलाया तो हम लोग बैठे, हम लोग जप किया, पूजा कर ली हमने यहाँ पे बैठ के। अब उधर सुबह देखेंगे एक बार, ट्राई फिर करेंगे चिंतपूर्णी माता के दरबार में जाते जाते सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले, ठीक है चलेगा। चलिए 7:30 हो गए और हम आप आगे बढ़ते हैं, अभी पेट पूजा करेंगे, भूख लग गई ना। चलो अब खाना खाते हैं फिर, चलिए चलो मैं करता हूँ गेट बंद। चलिए पूजा हो गई, पूजा हो गई, अब पेट पूजा हो जाए। दोपहर में उधर खाया था लंगर में, हाँ वही बोलते हैं, अब ये सही बात है। चलिए ढाबा आ गया, पंजाबी ढाबा, अभी देखा कितना क्राउड आया, हाँ बहुत बहुत क्राउड है, मतलब आज दर्शन है ही नहीं, सही डिसीजन हुआ। चलिए पंजाबी खाना खाओ अब पंजाबी ढाबे पे। चलिए ढाबे पे भीड़ नहीं है, ढाबे पे भीड़ नहीं है ना, पर चलो इतनी नहीं है, जगह मिल गई। अभी हम लोग जिधर जिधर जाते हैं उधर भीड़ होती है, भीड़ होती है। कैसा था खाना? एकदम मस्त, भर पेट खा लिया। सीख लो, पराठा बन रहा है, पराठा बन रहा है। चलिए पेट पूजा हो गया, पेट पूजा हो गया, परंतु भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा है बाहर। फिर भी आठ बजकर 24 मिनट हो चुके हैं, परंतु अभी भी बहुत ज्यादा भीड़। नहीं पसंद आया? नहीं पसंद आया? नहीं, मैं डालती नहीं है, किसी को देगा तो उसने डालना मांगता है ना। देख लो 8:30 हो गए ना, और अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ भीड़ है, भीड़ अभी भी कम नहीं हुई। तो फिर अभी क्या, सुबह अब सो जाओ जाके। 8:40 पर हम आ गए अपने घर में वापस, अब सुबह आप 4 बजे उठ के चले जाना। हाँ ठीक है, गुड नाइट, है ना। सुबह अब आप दर्शन करके आ जाना एक बार दोबारा से, फिर मैं 8 बजे रेडी मिलूंगा आपको, ठीक है। गुड नाइट, ओके, जय माता दी। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9418007673। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कल और नए किसी सपोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।